हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सकीना एडिटर फॉर अनदर व्लॉग। और जैसे कि आपको पता है, स्टैम्प वेडिंग सीजन है और आज मेरे पास है शूट। आज है 26 जनवरी और आज मेरे पास है ग्रूम साइट, हल्दी और मेहंदी। सो आज हम लोग जाएंगे फ़ोटो वीडियो शूट करने और देखते हैं कि वहाँ पे किस तरह का डेकोरेशन है और कैसा है। और पार्टी तो खैर बहुत अच्छी है, क्योंकि इससे एक साल पहले, सॉरी इसी जनवरी में पिछले साल मैंने इंगेजमेंट यानी कि दस्तूर जो मुस्लिम में कहते हैं वो शूट किया था। सो अब उनकी वेडिंग। क्लाइंट का कॉल आने के बाद हम लोग निकल चुके हैं अपने टाइम से और यहाँ कैमरे हमारे सब रेडी हैं शूट के लिए। हम लोगों ने जो डेकोरेशन ली है वो घर के बाहर से ली, फिर उसके बाद हम लोग अंदर आए और यहाँ पर है हल्दी मेहंदी डेकोरेशन। डेकोरेशन भी एकदम मस्त। और उसके बाद जो हल्दी का शूट होता है वो हमने सब शूट किया। डिनर की बारी है, डिनर में है चिकन बिरयानी, खाना भी माशाल्लाह बहुत लजीज है। और डिनर के बाद आती है कॉफ़ी की बारी, क्योंकि यहाँ बाहर मौसम बहुत ठंडा है। हम लोग आ चुके हैं अंदर, क्योंकि अब अंदर है मेहंदी शूट। सो हम वेट कर रहे हैं मेहंदी शूट के लिए, क्योंकि आज ही होना है मेहंदी भी। सो गाइज, यहाँ आ चुकी है मेहंदी और हमने इसका फ़ोटो वीडियो जो भी है शूट किया है। और अब बच चुके हैं रात के 12, जो कि अब है बरी की बारी। और बरी शूट होने के बाद हमने खाया रसम का केक, मुँह मीठा किया, उसके बाद हमने किया सामान पैक, क्योंकि अब हमारा प्रोग्राम हो गया समाप्त, यानी कि रात के 1 बज रहे हैं। सो अब हम लोग जा रहे हैं घर पर, क्योंकि हमारे पास कल है वेडिंग शूट। सो बहुत लेट हो चुका है, ये शॉर्ट फंक्शन था। रात के 1:15 पर हम फ्री हुए हैं। हाय, आज हो गई है 27 जनवरी और आज है मेरे पास वेडिंग, क्योंकि कल रसम, मंडा, मेहंदी जो भी है वो सब शूट हो गया था और आज हम जाएंगे बारात लेकर। सो गाइस, अब मिलते हैं शूट पर। और हमेशा की तरह टाइम से निकलना ज़रूरी है। और सबसे पहले जाएंगे शेरवानी, लोकेशन मिल गई है यहाँ पर। शेरवानी का हर एंगल से शूट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एडिटिंग के बाद इसका जो आउटपुट आएगा आजकल वो ट्रेंडिंग में हो चुका है। खैर, ये शूट होने के बाद हम लोगों ने लिया यहाँ का डेकोरेशन और अब बच चुके हैं 9:15। अब बस होने वाली है सेराबंदी और ये है दूल्हे राजा की कार और अब इसमें जाएगी बारात। ये रहा दूल्हे का सारा सामान और उसके बाद मैंने ली कॉफ़ी। सो गाइस, यहाँ सेराबंदी स्टार्ट और थोड़ी सी वीडियो मैंने भी बनाई। कैसी लग रही हूँ वीडियो बनाते हुए? और फाइनली सेराबंदी होने के बाद अब जाने की तैयारी। खैर, अब हम निकल चुके हैं, क्योंकि हमें टाइम से पहुंचना है वहां। सबसे पहले हम लोग लेंगे वहां की डेकोरेशन, उसके बाद दूल्हे की एंट्री। और ये देखिएगा, मौसम भी अच्छा है, ठीक ठाक है। ठंड तो है वैसे, मगर कोहरा नहीं है, बहुत कम कोहरा है। जो अभी मैंने प्रोग्राम शूट किए थे उसमें कोहरा बहुत ज़्यादा था। और ये है 26 की डेकोरेशन दिख रही मेरे को यहाँ पे लाइटिंग। खैर, बस सब पहुँचने वाले हैं और यहाँ हम पहुँच चुके हैं। और यहाँ मैंने फटाफट ली डेकोरेशन, क्योंकि अब है दूल्हे की एंट्री। सो यहाँ दूल्हे की भी एंट्री हो चुकी है और निकाह स्टार्ट हो चुका है वैसे भी। और यहाँ टेबल भी लग चुकी है डिनर की। मैंने स्टार्ट किया है कॉफ़ी और उसके बाद लिया मैंने डिनर। डिनर में बिरयानी और ये रहा खिचड़ा और थोड़े सा कौरमा और रोटी। सो फाइनली अब विदाई का टाइम है और टाइम से सारे प्रोग्राम हो चुके हैं और अब हम लोग करते हैं यहाँ की विदाई। सो लेट्स गो, अब हमको फिर से घर जाना है, क्योंकि हमें अब ग्रूम और ब्राइड की एंट्री लेनी है। सो गाइस, अब हम लोग हमेशा की तरह पहले ही निकलेंगे। ग्रूम साइड का विदाई तक हमारा नहीं होता, हमको फिर से घर जाना होता, वहाँ पे हमें एंट्री दिखानी होती है, जो दस्तूर रह जाते हैं उनको भी शूट करना होता है। और मेरे लिए खासकर कपल शूट, जो कि पूरी मूवी में कपल सीन मेरे लिए मेन है। सो यहाँ पहुँचने के बाद, मैं सारे काम कराने के बाद अब बच चुके हैं सुबह के 4:30, अब हुई हूँ फ्री। हेलो गाइज, आज फाइनली हो गई है 29 जनवरी और आज है रिसेप्शन। रिसेप्शन शूट भी है और साथ में दावत भी। सो लेट्स गो। हेलो, मैं निकल चुकी हूँ अपने लोकेशन पर और आज मैं जा रही हूँ ऑटो से, क्योंकि आज मेरे पास है फ्रेम, जो मैंने पिछले व्लॉग में बोला था कि ये फ्रेम मैं नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगी। सो आज इसकी मैं करूँगी ओपनिंग। जो ये मेरा फ्रेम है, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन किया मैंने। और यहाँ मैं पहुँच चुकी हूँ आरिश लॉन, जो कि यहाँ मेरा है रिसेप्शन शूट। सो ये रहा LED फ्रेम, जो मैंने इतने प्यार से डिज़ाइन किया। और यहाँ आज मैं करूँगी फोटोशूट। ओके, लेट्स गो फॉर शूट।
हम यहाँ बाहर आ गए हैं और यहाँ से हम लोग लेंगे डेकोरेशन शूट, जो कि अब हम आराम से शूट करेंगे क्योंकि ना यहाँ पे अभी ज़्यादा गेस्ट नहीं आए हैं। हम लोग टाइम से पहले पहुँच जाते हैं क्योंकि डेकोरेशन लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जब लोग नहीं होते हैं तो हम लोग बहुत अच्छे से शूट कर लेते हैं ये सब, और अच्छे से मैनेज भी हो जाता है। और उसके बाद मैं आ गई मिल्क काउंटर पे, मैंने लिया है मिल्क, और उसके बाद फ्रूट चाट, और ठंड में कुल्फी। कुल्फी खाने का मज़ा ही कुछ और है, ठंड में आइसक्रीम है या कुल्फी जो भी है ठंडी चीज़ अच्छा लगता है। और अब हम खाएंगे बताशे, अब हम लोग खा रहे हैं बताशे खाने। मेरे लिए हर चीज़ एक तरफ और पानी पूरी एक तरफ, इसका मज़ा ही कुछ और है। खैर मैं फैमिली को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाई क्योंकि यहाँ फोकस था मेरा कंटिन्यू शूट पर। अब सारा शूट होने के बाद अब हो गया है डिनर का टाइम। डिनर में यहाँ आया है फ्रूट चाट, और ये रहा फ्राइड चिकन, और उसके बाद कीमा पराठा, और ये कबाब। खैर अब मैं करती हूँ डिनर, और ये मिठाई में मैंने लिया रसगुल्ला, और उसके बाद आइसक्रीम। और यहाँ हमारा रिसेप्शन फाइनली कंप्लीट हुआ है 1:48 पर। प्रोग्राम हो गया है समाप्त, हम लोग चले अपने घर पर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। हो गया पैक, माशाल्लाह यहाँ सभी कुछ अच्छा हो गया है। चलिए मैं अब थोड़ा सा फ्रेम के बारे में बताती हूँ। ये जो कि LED फ्रेम है, मेरा साइज़ था इसका 20-30, आप कोई भी साइज़ बनवा सकते हो यहाँ पर। इसमें कपल भी फ़ोटो लगवा सकते हैं, बर्थडे फ़ोटो, बच्चे का फ़ोटो, कोई भी फ़ोटो बनवा सकते हो। यहाँ तो मैंने अपना लोगो बनाया था और हर चीज़ मेंशन थी इसमें। खैर अब मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, और ये मेरा व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। जब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले व्लॉग में।